जी वकील साहब, ठीक है वैसा ही करेंगे, रखता हूँ। वकील साहब का फोन था, वो बता रहे थे कि एक महीने में डिवोर्स कराने की कोशिश करें। और सिया जी, आप सही कह रहे थे, अगर किसी को शक भी हो गया कि हमने डिवोर्स के लिए फाइल किया है तो लोग अड़चने डालेंगे। मुझे लगता है कि जैसे हम दोनों पति पत्नी होने का दिखावा कर रहे हैं, उसे जारी रखना चाहिए। और हाँ, डिवोर्स के लिए आप जो मेरी मदद कर रहे हैं ताकि मेरे सपने पूरे हो सके, उसके लिए थैंक्स। और सिया जी, इस कंडीशन में जहां ना आप अपनी लाइफ जी पा रहे और ना ही मैं, आप भी यही चाहती हैं ना कि हमारा डिवोर्स जल्द से जल्द हो जाए। आज ही के दिन 2 लाख रुपए जमा करने हैं बैंक में। दिन बंधु जी, आप अपने हैं इसलिए आपको इशारा कर रहा हूँ। क्या है कि आपको अपने किसी रिश्तेदार या दातेदार से पैसे उधार ले लेने चाहिए। आप जानते नहीं, इस वक्त बाजार भाव 20% के हिसाब से चल रहा है। ऐसे में आपको ये कर्जा बहुत महंगा गिर जाएगा। हालात सही हो तो कोई भी कर्ज मांगने क्यों निकलेगा जानकी बाबू, मजबूरी करवाती है ये सब तो। और इस वक्त मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं कर्ज के सस्ते या महंगे होने का मुंह देखूं। आपसे कर्ज लेना है, किसी दूसरे का कर्ज चुकाना है। ठीक है, ये लीजिए 2 लाख रुपए 20% के हिसाब से। धन्यवाद जानकी बाबू, मैं बहुत जल्द लौटा दूंगा। ठीक है। हेलो, बलबल बोल रहे हैं सूरज कुंड से। अरे बलबल साहब, कैसे हैं आप? सोच रहे हैं कि आज आपको एक खुशखबरी सुना दें। एमएलए का टिकट मिल गया है हमको। इस बार चुनावी लड़ाई मैदान में हम भी खड़े रहेंगे, पंपमा के रजा मणिराम विधानसभा से। भाई ये तो बहुत अच्छी खबर है, इसका मतलब ये हुआ कि पांचों उंगलियां घी में है। पांचों उंगलियां का है, आप ही के पूरा का पूरा घी में बैठाएंगे। लेकिन जानकी दास जी, चुनाव लड़ना कोई हंसी ठट्टा या बच्चों का खेल तो है नहीं, खर्चा बहुत है। यही खातिर कह रहे हैं कि जरा 50 पेटी का हाली से इंतजाम करके रखिए, आज राती के या फिर कल सुबह तक हमको जरूरत पड़ेगी। आप तो जानते ही हैं बलबल साहब, हमारा सारा कारोबार आपकी अम्मा जी के रहमो करम पर ही चलता है। बस वो एक फोन घुमा दे, उनका हुक्म सर आंखों पर, फिर आप जो चाहें जितने चाहें पैसे ले लीजिए। कैसन बात कह रहा है यार जानकी दास जी, हा? अब अम्मा थोड़ा ना आपको फोन करेंगे। अच्छा आप ही एक काम करें, हमारा काम जरा आसान हो जाए। अम्मा को फोन करिए, उनसे कहिएगा कि बलबल का फोन आया, और जो पैसे वाली बात हुई है उनको बता दीजिएगा। जैसे ही बात अम्मा के काने में पहुँचे, हर केहू अपने रास्ते, और आप अम्मा के विश्वास पात्र बने रहेंगे और हमारे भी काम का श्री गणेश हो जाएगा। क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम अभी फोन घुमा देते हैं नौलखा जी को। हमारे बाबू जी और अभिनंदन भैया पैसा देवे से हमें मना कर दिए, ई फोन से उनको समझ में आ जाएगा कि बलबलवा के पास और जुगाड़ है, और जैसे सूद पे पैसा उठाने की बात होगी सबके सब अपनी अंटी ढीली करने लगेंगे। हाँ, पॉलिटिक्स में जा रहे हैं,
तो इतना पॉलिटिक्स तो हमको भी आता है कि अपने ही घर वालों का दिमाग कैसे रास्ते पर लाया जाता है। देखो सबके टेंट से कैसे पैसा निकलवाते हैं। जिसको देखो वही भोपू की तरह बजने लग रहा है। अरे आगे पीछे सोचना चाहिए कि नहीं? जानकी दास को फोन करने से पहले एक बार हमसे पूछना नहीं चाहिए था? अम्मा, एमएलए के टिकट के लिए 2 करोड़ का डोनेशन देना माने कितना बड़ा जुआ है। कहीं धंधे में लगे तो कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मूलधन रहता है। अभी नेता नगरी का क्या भरोसा, और वैसे भी ये काम हम लोग का पुश्तैनी तो है नहीं, और यहाँ किसी को अनुभव भी नहीं बहुत। शुरू होने के बाद सीधा प्रसारण गोरखपुर से हमारे घर में। हमें पहले से मालूम है कि हम जैसे ही पैसा का नाम लेंगे हमारे घर में फायदा नुकसान पर सबका अपना अपना प्रवचन चालू हो जाए। यही खातिर फोन किए थे हम जानकी दास जी। अगर अभिनंदन भैया करोड़ों के हिसाब किताब करें तो हमारे पूरे घर में कोई एक बार भी जीरह तक नहीं करे। भाई धंधा में निवेश कर रहा है वो, आज नहीं तो कल फायदा होगा ही होगा, लेकिन अगर हम पैसा का नाम ले। अम्मा इगरे में ना दुइये पागल हैं, एक हम और दूसर का बलबलवा यानी कि हम ही पागल है, बाकी सब तो बहुत बुद्धिमान। घरे में जय जने हैं ना कटैलवा तार लेके हमें घेरे के चक्कर में केवल पड़ा। घरे में हमार क्यों ना आएगा? अरे हमारे ऊपर तू सब खर्चा करवे काहे भाई, हम है के। हाँ तो तुम पागल हो, कायदे कानून से हट के बात कर रहे हो। टिकट उसे मिलता है जिसके अंदर काबिलियत होती है, और पैसा देके अगर टिकट मिल रहा है तो हम इसे अनुचित मानते हैं। और इस बात से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि जनता जिसे चाहती है उसे ही वोट देती है और उसे ही खड़ा होना चाहिए। इस बात को समझो। अरे पैसा देके तुम टिकट ले लोगे लेकिन वोट? बाबूजी वोट भी खरीदा जाता है बाबूजी, कौन से जमाने में जी रहे हैं? अम्मा वोट को खरीदने के लिए पार्टी पानी की तरह पैसा बहाती, लेकिन बाबूजी आज जो कुछ भी हो रहा है ना उससे हमको एक बात तो समझ में आ गया, हम पर पैसा लगाने का मतलब कंडी गोईठा में ही सुखाने के बराबर है। आप लोगों के लिए कोई नहीं है हमारा इस घर में, हम अकेले हैं। किस काबिलियत की बात कर रहे हैं कप्तान साहब आप? वो महापुरुषों का जमाना चला गया, वो आजादी के नेता लोग और आज के चुनाव लड़ने वाले नेता लोग, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और अब समझ लीजिए अब सिर्फ पैसे और पावर का जमाना है, और अगर धंधा पानी ठीक से चलाना है ना तो घर में राजनीति का पावर होना बहुत जरूरी। अरे अनुभव भी कोई चीज होती है मलकी, इस परिवार में राजनीति का किसको अनुभव है? क्या बात कर रहे हैं कप्तान साहब, पावर के पीछे तो अनुभव आता ही है। और आप तो खुद पुलिस महकमे में रहे हैं, आपने खुद पावर का स्वाद चखा है, और फिर ये तो विधायक बनने की तैयारी में। सोचिए कि गोरखपुर में अपना कितना दबदबा होगा, अपने चीनी कारोबार में कितनी मदद होगी। दिन में सपना मत देखिए मलकिन, और 100 की सीधी एक बात जानते हैं कि पैसा दे के टिकट लेना अनुचित है बस। अरे वो तो आज के जमाने का चलन है, और अगर जमाने के हिसाब से नहीं चलेंगे तब तो पीछे रह जाएंगे। सोचिए लड़का जब चुनाव जीत कर आएगा तो गर्व से आपका ही सर ऊंचा होगा, उस समय ये मायने नहीं रखता कि क्या उचित है और क्या अनुचित। ठीक है करिए जो आप लोगों को ठीक लगे वो करिए। अरे कप्तान साहब भावुक होके काहे सोच रहे हैं? अरे हम भावुक नहीं हो रहे मलके, ये उचित अनुचित देखने का नहीं लाभ हानि देखने का जमाना है। जो व्यापार के पांव मजबूत करे वो उचित, और जो पांव में लंगी मारे वो अनुचित। माँ, लेकिन 2 करोड़ का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे? तुम्हें मालूम है अभिनंदन की कैसे पैसों का इंतजाम करना है, और अगर कोनो रुकावट हो तो मशवरा करने के लिए हम हैं। अभी सबके लिए बलबल 5 साल इंतजार थोड़ी ना करेगा अगले चुनाव का, और सब जमीन जायदाद काहे के लिए? अम्मा पक्ष ले रही है ना हमारा, तो भैया को बुरा लग रहा, हजम ना हो रहा है। बलबल ये हजम नहीं हो रहा है, ये सब क्या बात कह रहे हैं? जो जमा पूंजी पैसा है पूरे घरे का,
ये अपना समझने के बजाय अगर पूरे सबका समझोगे ना भैया, अपने आप सब कुछ हजम होने लगे। ए बलबल, ये तुम हम पर ना आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे, हम सच्चाई कह रहे हैं। बड़को, तुम यहाँ क्या मंडरा रही हो? बर्तन बाद में देखना, जाओ यहाँ से। नहीं सासू माँ, वो तो हम रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। किसी को कुछ चाहिए तो बोल दे। बड़को, जर्जर वाली छोटकी बहू, तुम लोग भी अपना खाना परोस लो। हो गया, हमें भी कुछ नहीं चाहिए। बड़को, तुम भी खाना खा लो। दीदी जरा रुकिए, अब तुम्हें क्या हो गया? सासू माँ, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। किस बात की माफी? हम इस घर के तौर तरीके अपनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी कुछ ना कुछ गलती हो जा रही है। मगर सासू माँ, ये जो कुछ भी हुआ हमसे भूल से हुआ, और हमारे अज्ञान की वजह से आप सभी लोगों को इतनी तकलीफ सहनी पड़ी। इसलिए आज हम आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए। सासू माँ, हम जानबूझकर अशुभ नहीं कर रहे थे। हम सच्चे मन से इस घर को अपना समझते हैं और इस ढांचे में ढलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस घर के खिलाफ जाकर हम रिश्तों में अनबन बिल्कुल नहीं चाहते। आज हमारी जिंदगी में कोई और मकसद नहीं है। हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान इस घर और इन रिश्तों के बीच ही है। मां, जहां तक मैंने देखा और समझा है, उसके आधार पे कह रहा हूं, हमने सिया जी को मौका ही नहीं दिया कि वो हम सब लोगों को समझे, और शायद उनकी गलतियों को ध्यान में रख के हमने वो किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। और इनके साथ हुई बदसलूकी का जितना जिम्मेदार मैं हूं, उतना ही परिवार के लोग भी हैं। नहीं समर जी, ये जिम्मेदारी केवल हमारी है और किसी की नहीं। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, इस बात का इतना प्रोपोगंडा करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम अपने पति को भी सद्बुद्धि दो। इस घर में तुम्हें सूली पे नहीं चढ़ाया। अरे सुनिए, सो गए पसर के? अरे जल्दी सोने से मोच नहीं मिल जाएगा पतिदेव, उठिए उठिए ना। अरे अखिया में निंदिया कैसे पड़ सकती है आपके? यह आपका भाई हमारे सपनों पर डकैती डालने पर तुला हुआ है और आप कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं आंखें मूंद के। उठिए ना। क्या कर रही हो? तंग कर रही हूँ, नींद आ रही। मैंने ये सब हम कुछ कर नहीं सकते। काहे नहीं कर सकते? हाथ पैर तोड़ कर पैसा कमाते हैं आप, और वो आपका लुच्चा भाई उस पर डीएसएलआई लगाने की फिराक में है और आप सो रहे हैं कुंभकर्ण की तरह। अरे उठिए ना। का फालतू बतिया रही है? ये पैसा सिर्फ हमारा नहीं, ये घर का भी पैसा।
और अम्मा ही पैसे का करती हैं तुमको या किसी को कोनो मतलब नहीं होना। तुम जानती हो कि अम्मा का फैसला आखिरी होता है, कोई इसके खिलाफ बोलता नहीं है। काहे सर खपा रहे, मैंने तुम भी सो जाओ और हमको भी सुना। माई रे माई, कैसे मरद से हमारा ब्याह हो गया? अरे जाके अपनी अम्मा जी के पल्ला में जाकर सोइए ना। जब सब लुटपिटा जाएगा ना तब भी सोते रहिएगा चद्दर तान के। हम तो कहते हैं जो ही घर का पैसा बलबलवा के विधायक बनने में लगेगा, जो कि अब बहुते मेहनत से कमाए हैं, अभी से देवर जी से उसके बारे में नफा नुकसान तय कर लीजिए कि वो विधायक बनने के बाद आपको क्या फायदा देंगे। नहीं तो कल को आपका भाई चुनाव जीत गया ना तो ठेंगा दिखा के निकल लेंगे और आप लोग मजे से चीनिया बादाम बेचते रहिएगा। और ये सब नहीं कर सकते हैं ना तो सुनिए, हम तो कहते हैं अपना हिस्सा अभी से अलग करवा लीजिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं पतितेव जब हम तीनों लाइन से गोरखनाथ मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगेंगे, दे दो दोठा रोटी दे दो भगवान जी के नाम पर, ये सब कहते फिरेंगे। और संभल जाइए, एक तरफ आपकी बहनिया सवारो दीदी जी और उधर घपचहट भाई बलबलवा, ये सब घर का सफाया करने पर तुले हुए हैं। सोइए सोइए चद्दर तान के सोइए, जब ये घर में सब धू धू करके जलेगा ना तब भी सोते रहिएगा। जी हम क्या करें, हम जो कुछ भी करते हैं वो सोच समझ के करते हैं ताकि सासू माँ को अच्छा लगे। न जाने कब कैसे सब गलत हो जाता है और हमारी वजह से सासू माँ का दिल दुख जाता है। समर जी हम हमेशा वही करना चाहते हैं तो सासू माँ को पसंद आए, मगर सब कुछ उल्टा हो जाता है। सासू माँ बार बार हमसे नाराज हो जाती है। पता है समर जी, हमें हमें सासू माँ के गुस्से से कोई एतराज नहीं है, मगर हमें लगता है कि अगर आप हमारे साथ हो तो हम सासू माँ का मन जरूर जीत लेंगे। सिया जी आप प्लीज अम्मा की बात को दिल पे मत लगाइएगा। एक्चुअली अम्मा इतनी मेहनत और कोशिशों से इस घर को यहां तक लेके आई, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ की आहट भी होती है तो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाती। सासू माँ ने क्या कहा हमने तो कुछ सुना ही नहीं, हमारे कानों में सिर्फ आपकी बातें गूंज रही थी समर जी, इसीलिए हम सासू माँ की कोई बात नहीं सुन पाए। अरे सिया जी ये क्या कर रही हैं? देखिए मैं कभी कभी सोचता हूं तो मुझे डर लगता है कहीं आप मेरी बातों को कुछ अलग तरीके से ना ले लें। प्लीज एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि हमारे बीच कोई लगाव नहीं हो सकता, प्यार बिल्कुल भी नहीं। हमें याद है
हमेशा याद रहेगा। ये कमरा हमेशा हमें याद दिलाता रहा है कि मेहमान हैं हम इस घर में, और ना ही हमारे बीच में कोई रिश्ता है, ना ही कोई लगाव।